लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रोजगार के लिए नहीं जाना होगा दिल्ली मुंबई, निवेशकों को लुभा रहा बिहार, अरबों रुपए का होगा निवेश। पटना कॉलन निजी निवेश आकर्षित करने के लिए हाल में आरंभ हुई मुहिम रंग दिखाने लगी है। लुधियाना के बड़े निवेशकों की बिहार में उद्योग लगाने की रुचि से इस मुहिम को बल मिला है। इन निवेशकों ने 1000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जबकि पिछले साल करीब 500 करोड़ के 539 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से करीब 995 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके 17 में बेहतर नतीजे सामने आए। सस्ते दर पर लीज पर जमीन देने, इंटरेस्ट सब्सिडी, बिजली बिल में रियायत जैसे कई कदम उठाए गए। प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ किया गया। पिछले वर्ष निवेश के 604 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 539 को रिकॉर्ड कम समय में मंजूरी दी गई। अब नया साल आरंभ होते ही लुधियाना से अच्छी खबर आई है। वहां के बड़े निवेशक प्रदेश के डेहरी आनसोन में करीब 1000 करोड़ का निवेश कर गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाने को तैयार हैं। डेहरी आनसोन का चयन उन्होंने इस कारण किया है क्योंकि यह दिल्ली कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग पर अवस्थित है और भविष्य में इसके निकट एयरपोर्ट बनाने की योजना है। दरअसल ये बड़े निवेशक पिछले सप्ताह लुधियाना के नेटवेयर एंड अपैरल एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हरीश दुआ के साथ प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ के अलावा बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी के अग्रवाल के साथ बैठक की थी। बिहार में उद्योग स्थापित करने वालों को दी जाने वाली विशेष रियायत से बहुत प्रभावित था। इसने बिहटा और डेहरी आनसोन का भ्रमण भी किया था। बड़े उद्यमी 1000 करोड़ के निवेश को तैयार, पिछले साल आए 500 करोड़ के प्रस्तावों को भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए मिली है मंजूरी, होगा 1310 करोड़ का निवेश।